जैसा कि अब सर आ चुके हैं तो हम सर के साथ भी अब कुछ टास्क करेंगे, थोड़ा सर का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो सर आपसे अदबन गुजारिश है, थोड़ा आप भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। सो आपसे भी कुछ टास्क करवाना है हमने सर। नहीं नहीं, आपसे एक टास्क करवाएंगे आज हम। सर आपसे अदबन गुजारिश है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ रैपिड फायर राउंड खेला जाता है। आई होप कि आप सब इंजॉय करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड। अल्लाह सुबहानहू व तआला। कलर ऑफ योर टूथब्रश। वाइट, बिकॉज वाइट करने के लिए वाइट हो तो ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका। हु डू यू एडमायर द मोस्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेवरेट कोट। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन थ्री वर्ड्स एज ए टीनेजर। आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट। आई हैड नो विजन इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट। बहुत सारे लोग ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं। एंड I wanted to meet Shah Rukh Khan and Sachin Tendulkar. But today I do not even take their autograph if I happen to meet in any part of the world, because they are no more role models now. Jab college mein tha to role model Shah Rukh Khan tha, lekin jab ulama se dosti hui aur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko janne laga, समझने लगा, तो ये लोग मेरी ज़िंदगी से दूर होते गए। अगर सर आप एक आइसक्रीम होते तो आप कौन सा फ्लेवर होते और क्यों होते? मैं मैंगो फ्लेवर होता, क्योंकि मैंगो इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट। सर अगर आप एक सुपर हीरो होते तो आप कौन सा सुपर हीरो होते और क्यों होते? मैं तो ट्रेनर हीरो ही होता, जो क्योंकि ट्रेनर वो होता है जो दूसरों को हीरोज बनाता है। और मेरा तो काम ये है कि जलाता चलो चराग, राह में का दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो जैसे कि आपने कहा आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे। फैन था जी, फैन थे। अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपको कोई उनका कोई गाना जो सबसे ज़्यादा पसंद हो? गाने पसंद थे, अब नहीं है। थे कोई एक लाइन मतलब बता दीजिए। मैंने आज तक कोई वॉकमैन भी नहीं खरीदा, और मेरे पास अच्छा फ़ोन है, आईफोन है, लेकिन इसमें ना कोई आपको गाने मिलेंगे ना कोई गेम्स मिलेंगे, तो गाना मुझसे ना गवाए, बहुत अच्छा है। जी जी, चलिए। मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, मेरी मंजिलों पर मेरी नज़र है। सर आपकी कोई फेवरेट हॉबी? टीचिंग इज माई हॉबी एंड टीचिंग इज माई पैशन। लास्ट थिंग यू लाइक ऑन सोशल मीडिया? वो बताऊं? जी, आज सुबह ही मुझे पता चला है कि मेरे पेज पर पहला 1 मिलियन व्यूज वाला वीडियो जो मेट्रोपोलिस होटल में मैंने किया था, तो मैं चाह रहा था कि वो कन्वोकेशन पर हो जाए, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वही होता है। 10-20 दिन में ही 1 मिलियन व्यूज आए हैं, और इंडिया में मैंने घूम घूम कर पढ़ाया, लेकिन जो मेरे उस्ताद मेरे वेल विशर अशरफ साहब के होटल मेट्रोपोलिस में मैंने किया था, वहाँ का एक वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर 1 मिलियन हुए हैं, लेकिन वो कोई मेरा अचीवमेंट नहीं है। मैं कितने बच्चों को पढ़ाता हूँ और कितने बच्चे ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो मेरे लिए अचीवमेंट होता है। योर फेवरेट डायलॉग? Favorite dialogue, repeat after me loudly. Because I am a trainer and I keep on teaching and I expect my students to repeat after me. Best gift ever received? Best gift? Gift to mujhe bahut mile hain. Aur main samajhta hoon ki mere liye jo sabse zabardast gift hai, जो अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाकर पैदा किया।
सर, सबसे स्ट्रेंज थिंग, जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ जो आपने खाई हो कोई? स्ट्रेंज मतलब हर एक के अलग अलग चॉइस होते हैं। केरला में मैं ऑर्फनेज में पढ़ाने गया था, तो बड़ी प्यास लगी तो वो लोग मुझे चाय दिए। मैं पानी मांग रहा था, वो लोग चाय दिए, और वो जाने शायद चाय ही पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा था मुझे, मुझे प्यास लग रही। प्यास जब लगती है तो इंसान जो है तेज़ पानी पीता है ना, तो वो सिप की तरह पीना पड़ रहा था मुझे, थोड़ा थोड़ा करके। मैं चाह रहा था कि बहुत पानी मिले और जल्दी से पी लें। वो बड़ा स्ट्रेंज से लगा, लेकिन बाद में फिर मज़ा आने लगा मुझे। योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? चाइल्डहुड मेमोरी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो जो आखिरी एग्ज़ाम होता था सोशल का, उस दिन हम लोग एग्जामिनेशन पैड जो एक होता था उसको दो करते थे, तो मतलब तोड़ कर अब इसका कोई काम नहीं है। और फिर छुट्टियों में घूमना होता था नानी के घर, फिर मामू के घर। तो मेरे नाना के भाई, उन्होंने लॉज होटल वो चलाया करते थे, जैसे अशरफ साहब चलाते हैं, ये तो बहुत 3 स्टार होटल्स चलाते थे, वो बहुत छोटे होटल्स। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी लॉज और सबसे बड़ी होटल और सबसे ज़बरदस्त बिरयानी उसी गांव में बनती थी। तो इनॉग्रल फंक्शन था, तो MLAs वगैरह बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई थी। तो मैं 7th में शायद पढ़ रहा था उस वक्त में, तो मेरे हम उम्र सब दोस्त थे, यानी रिश्तेदार वगैरह सब। तो सर्व करने, पहले तो वेटर्स नहीं हुआ करते थे, खुद ही सर्व करते थे घर वाले ही बच्चे। तो हम लोग मशवरा किया आपस में कि ये तो सारा गांव आएगा, क्योंकि मशहूर होटल की दावत है। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ खारा मैसूर पाक, कुछ गुलाब जामुन, कुछ केले संतरे वगैरह हम छुपा कर रखेंगे, ताकि बचे रहें वो हमें बाद में खाने के लिए। तो फिर मशवरे में तय हुआ कि इसको छुपाया जाए, और वो छुपाने का टास्क मुझे दिया गया था। और एक एक मतलब एक जलेबी की एक प्लेट 4 जो है हॉल में लेके जाना है, और एक वॉशरूम में छुपाना है। फिर केले लेके जाना है 4 प्लेट्स, तो एक मैं ले आता और वॉशरूम में रखता। तो ऐसे सारे जमा कर दिया मैंने, जितने आइटम्स मेहमानान को मिल रहे थे वो सब मैं वॉशरूम में ले आकर रखा। और जब मुझे पता चला कि अभी कोई नया आइटम तो आना नहीं है यहाँ पर, सब मैंने जमा दिया। फिर सोचा कुछ चख लें, तो बैठकर मैं ऐसे खाने लगा, तो वो दरवाज़ा बिल्कुल ऐसे खुला और मैं ऐसे बैठा हुआ था। तो मेरे नाना 6 फुट के थे, तो उनको बिल्कुल मैंने ऐसे देखा। तो वो MLA को ले आए थे वॉशरूम दिखाने के लिए कि कैसे होते हैं होटल का। तो मेरे नाना ने कहा था कि तुझे कोई और जगह नहीं मिली खाने के? तो छोटे वक्त छोटा दिमाग होता था कि इस जगह तो कोई आएगा ही नहीं देखने के लिए। वो मेमोरी अभी तक हमेशा याद रहती है। और नाना भी जब भी घर आते थे वो डायलॉग हमेशा बोलते थे, वो याद है ना तुझे करके। तो दैट इज़ वन ऑफ माई वेरी फॉन्ड मेमरीज। वेरी अमेजिंग सर। सर लास्ट कोई भी 3 एडवाइसेस जो आप हम सबको देना चाहेंगे? जी, 3 एडवाइस मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि हर पल जन्नत में जाने की फ़िक्र करें, और इल्म पाने के लिए जी जान मेहनत करें। इल्म ऐसी चीज़ है जो पहला मैसेज अल्लाह ने दिया है, इकरा पढ़, उसके लिए जी जान लगा दें आप इल्म के लिए। इल्म ही आपको हर चीज़ सिखाता है। इल्म की वजह से ही शैतान जो है झुका है, आदम अलैहिस्सलाम का मर्तबा बढ़ा है। और तीसरा 3rd piece of advice मैं कहूँगा कि आप एक वक्त खाना ना खाएं और गरीबों को खिलाएं।